हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स आज हम प्लस टू की फ़िजिक्स की क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहे हैं जो कि है न्यूक्लियर फ़िजिक्स से रिलेटेड और इसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसकी कमियां हैं वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्टली जो न्यूक्लियर एक्टर है एक डिवाइस है जिसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है उसको एक सस्टेंड एंड कंट्रोल्ड वे में किया जाता है यानी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो एक कंट्रोल्ड वे में होती है इसको अटोमिक पाइल भी कहते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूरेयम एज फ्यूल द प्रोडक्ट सच एज द न्यूट्रोन जो बनते हैं रेडियो आइसोटॉप एंड हीट अनर्जी जो कि टर्बाइन को रन करने में यूज़ होती है ये चीज़ें सारी इसमें बनती हैं ठीक है इसको कंट्रोल वे में किया जाता है सारा प्रोसेस कंस्ट्रक्शन क्या है जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो एक बना होता है थिक ब्लॉक्स का जो कार्बन के हैं एंड सराउंडेड बाय थिक अब्ज़ॉर्बिंग बाल ऑफ कंक्रीट और सबसे बाहर जो कंक्रीट की बाल बनी होती है अदर पार्ट इसके नीचे दिए हुए हैं आप देख सकते हैं ये इसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर का फर्स्टली हम इसमें न्यूक्लियर फ्यूल की बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल में फिशनेबल मटेरियल होना चाहिए जो टूट सके और इसमें बेसिकली यूरेनियम दो सौ यूज़ करते हैं वो अलमीनियम के सिलेंडर में फिल हुआ होता है अलमीनियम के सिलेंडर जो है वो इन्ज़र्ट किए जाते हैं इन द होल ड्रिल्ड इन द कार्बन ब्लॉक ये जो कार्बन ब्लॉक्स हैं इसमें होल करके ड्रिल करके ये पैक किए जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये निकली रिएक्टर के ये है कार्बन का ब्लॉक और इसमें ड्रिलिंग करके इसमें सूचर बनाए हैं और इसमें एलुमीनियम का सिलेंडर फिट करते हैं जिसमें हम यूरेनियम दो फिल करते हैं और उसके बाद आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर जो है ये यूज़ किया जाता है टू तो स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इससे न्यूट्रॉन जो है स्लो किए जाते हैं एंड प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फीशन जो न्यूक्लियर फीशन यानी यूरेनियम दो सौ पैंती के टूटने के बाद जो न्यूट्रॉन बनते हैं उनकी स्पीड कम करने के लिए द न्यूट्रॉन रिलीज इन द फीशन ऑफ यूरेयम पजा साई एनर्जी इनकी एनर्जी काफ़ी होती है दो मिली इलेक्ट्रॉन बोल्ट होती है मॉडरेटर इसकी एनर्जी इतनी कम कर देता है बिच कॉरेस्पॉन्ड टू द थर्मल मोशन ऑफ द न्यूट्रॉन फॉर दिस रीज़न द न्यूट्रॉन जो है स्लो डाउन हो जाते हैं और इनकी एनर्जी इतनी रह जाती है दे आर कॉल द थर्मल न्यूट्रॉन इनको थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर द मॉडरेटर इज आइदर ग्रेफाइट या ग्रेफाइट का बना होता है कार्बन का और वाटर और हैवी वाटर जो हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका भी यूज़ करते हैं जो अप्सरा रिएक्टर है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में वो वाटर को यूज़ करते हैं एज़ मॉडरेटर इट वाज कमीशन इन 1956 इट इज़ अ स्विमिंग पूल टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर यानी इसको यूज़ किया जाता था और इसको स्विमिंग टाइप रिएक्टर भी कहते हैं और इसमें ग्रेट सर्विस इन फील्ड ऑफ द जेनेटिक स्टडी इन एग्रीकल्चर क्रॉप द न्यूक्लियर एक्टर एट द तारापुर कलमकम कोटा एंड नरोरा ये यूज़ करते हैं फॉर पावर प्रोडक्शन इन दीज रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज़ इसमें हैवी वाटर का यूज़ करते हैं उसके बाद आते हैं कंट्रोल रोड जो कंट्रोल रोड्स होती हैं ये ऑब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रॉन कंट्रोल द न्यूक्लियर चेन रैक्शन क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रॉन जो है नहीं निकलने चाहिए कैडमियम और बोरन की रोड होती हैं इस परपज़ के लिए यूज़ करते हैं दे कैन बी मूवड इन और आउट ऑफ द होल ड्रिल इन कार्बन ब्लॉक इन रोड को बाहर भी निकाल सकते हैं द कंट्रोल रोड आर कंप्लीटली पुश इन टू द कार्बन ब्लॉक लॉक के साथ इसको पुश करते हैं दे अब्जोर द न्यूट्रॉन टू सच एक्सटेंट डेट द चेन रिएक्शन जो है कम टू हॉल्ट इससे जो चेन रिएक्शन uh, है वो रुक भी जाती है उसको रोक भी सकते हैं इतना ज़्यादा कंट्रोल करती हैं एज द रोड आर स्लोली विद्रॉन द चेन रिएक्शन प्रोसीड एंड मूव एंड मोर वी विद द रोड स्ट्रॉगर द इंटेंसिटी ऑफ द चेन रिएक्शन यानी जितनी हम रोड को बाहर निकालेंगे उतनी स्पीड अप ग्रेट हो जाएगी रिएक्शन की जितनी अंदर इन्जर्ट करेंगे उतनी रिएक्शन कम हो जाएगी कूलेंट कूलेंट जो है ये हीट जो ज़्यादा निकलती है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है और कूलेंट जो है रिलीज करते हैं हीट एनर्जी टू वाटर एंड वाटर थस कन्वर्ट द सुपर हीटेड स्टीम फिर इससे स्टीम बनती है विच इज़ यूज टू रन द ट्रवाइन द ट्रवाइन इन टर्न यूज टू ऑपरेट द मशीन फिर से इलेक्ट्रिकल जनरेटर को मूव करने से वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है इसमें लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं एज कूलेंड समाइम हैवी वाटर का भी यूज़ कर लेते हैं आगे आता है प्रोटेक्टिव शीट्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ द रेडिएक्टिफेक्ट रेडिएक्टिफेक्ट कम करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के राउंड जो है एक थिक कंक्रीट की बॉल बनाई जाती है जो कि दस मीटर थिक होती है ये काफ़ी ज़्यादा थिक बनानी पड़ती है उसके बाद आता है जी वर्किंग जब एक सिंगल न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है यूरेनियम दो के ऊपर तो वो 200 सौ मिली इलेक्ट्रॉन बोर्ड तक एनर्जी दे देता है और तीन न्यूट्रॉन देता है जो कैडमियम रोड होती हैं वो ऑब्जॉर्व कर लेती है न्यूट्रॉन को वो स्लो डाउन करती है रिमेनिंग न्यूट्रॉन को एंड द स्लो न्यूट्रॉन कैरी ओर द फिशन अंडर द न्यूक् एंड सो ऑन फिर इससे जो स्लो न्यूट्रॉन आते हैं वो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं इन ऑर्डर टू स्टेप आट रिएक्शन जो कैडमियम रोड जो है स्लोली बाहर निकालते हैं यानी अगर हमने न्यूट्रॉन की ऑब्जॉर्बन कम करनी है तो कैडमियम रोड को बाहर निकाल लेंगे और एक्शन फास्ट हो जाएगी अगर स्टेप डाउन करनी है तो ये रोड को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे स्लोली इन एडिशन टू कंट्रोल रोड द रैक्टर आर प्रोवाइडेड विद सेफ्टी रोड इसमें सेफ्टी रोड भी होती हैं फॉर द फेयर फंक्शनिंग ऑफ द न्यूक्लियर एक्टर इट्स के फैक्टर इज कैप्ट क्लोज टू यूनिटी बाई मूविंग द एकेडमीम रोड इन एंड आउट अकेडमीम रोड की इन एंड आउट मोवमेंट को एक K factor के फैक्टर के हिसाब से देखते हैं के फैक्टर होता है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीशियन प्रोड्यूस बाई गिवन जनरे न्यूट्रॉन टू द नंबर ऑफ फीशियन प्रोसीडिंग जनरेशन ऑफ द न्यूट्रॉन यानी कितनी फीशंस हो रही हैं कितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इसको रिपोडक्शन फैक्टर भी कहते हैं उसके बाद आता है न्यूक्लियर एक्टर के फंक्शन जो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आती है और रेडियो एक्टिव आइसोटो भी बनते हैं मेडिकल साइंस एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में इसका यूज़ है दे आर यूज टू प्रोड्यूस द न्यूट्रॉन बीम ऑफ द हाई इंटेंसिटी फॉर द यूज़ इन द न्यूक्लियर सर्च न्यूक्लियर सर्च में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है तो एक बार फिर से इसके आप पार्ट्स देख लीजिए समझ लीजिए ध्यान से यहाँ है मॉडरेटर मॉडरेटर जो है स्पीड कम करेगा कंट्रोल रोड ज न्यूट्रॉन्स को अब्ज़ॉर्व करवाएगी कम जो इसको तेज़ करेगी प्रोसेस को कंक्रीट की बाल होती है दस मीटर थिक होती है एल्युमिनियम सिलेंडर में एक्टिव मटीरियल होता है बाकी इसमें वाटर यूज़ करते हैं और जो कूलेंट जो है हॉट हो जाता है तो गर्म कर देता है पानी को स्टीम बन जाती है और इससे जनरेटर की ट्रवाइन घूमती है वो जनरेटर को घुमाने से इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो ये है इसके परपसेस बट इसके बेसिकली नुकसान भी है लीकेज हो जाती है इसका जो एक्टिव जो एसिस बनती है उसको डंप करना जो बहुत एक टफ टास्क है तो न्यूक्लियर हज़ार से बचने के लिए इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है केयर की ज़रूरत पड़ती है आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा अगर फिर भी किस कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं थैंक यू एंड हैव नाइस डे